हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा शरीर कैंसर से पहले कुछ संकेत देता है। यदि आपको भी इनमें से कोई संकेत मिलते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आप जल्द से जल्द डॉक्टर से चेकअप करा लें। आइए हम आपको बताते हैं कि हमारा शरीर कैंसर से पहले क्या क्या संकेत देता है। आंत में समस्या। आंतों में सामान्य समस्या होना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर लगातार आंतों में समस्या है तो यह कोलेन या कोलोरेक्टल कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है। डायरिया और अपच की समस्या इस लक्षण को दर्शाते हैं। इस कारण पेट में गैस और पेट में दर्द की समस्या भी रहती है। खून का बहना। लगातार खून का बहना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर कैंसर की संभावना है तो इसके कारण खून मलाशय के द्वारा बाहर निकलता रहता है। यह कोलेन कैंसर का लक्षण होता है। इसके साथ ही यदि मल मूत्र त्यागने के समय अगर पीड़ा होती है या मूत्र में रक्त की मौजूदगी पाई जाती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर अथवा डिंब ग्रंथि कैंसर के लक्षण को दर्शाता है। महिलाओं में अगर मासिक चक्र के बाद भी रक्त स्राव नहीं रुकता तो महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर को चेक करा लें। रात में पसीना निकलता है। यदि रात में सोते वक्त पसीना अधिक निकलता है तो यह किसी दवा के शरीर में रिएक्शन या शरीर के अंदर किसी इन्फेक्शन का संकेत भी होता है। यदि यह स्थिति कई हफ्तों तक बनी हुई है और पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। बदन दर्द होना या कमजोरी महसूस होना। काम की अधिकता और गलत तरीके से बैठने के कारण बदन में दर्द होना सामान्य है, मगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा है तो यह कोलोरेक्टल या प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा कमर के आसपास की मांसपेशियों में दर्द होता है, बिना वजह ही जरूरत से ज्यादा थकान लगती है तो भी ये कैंसर का शुरुआती लक्षण माना जाता है। वजन कम होना। अगर बिना किसी कारण से आपका वजन कम हो रहा है तो कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। भूख लगने में कमी होना, ज्यादा खाना नहीं खा पाना इसके लक्षण हैं। यदि बिना किसी प्रयास के शरीर का वजन 4 से 5 किलो से ज्यादा कम हो जाए तो इसे कैंसर के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। लगातार खांसी आना। कोल्ड और फ्लू के अलावा ध्रुवमान करने वालों को खांसी आती है, मगर बिना किसी कारण से लगातार खांसी आए तो यह लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर खांसी के साथ खून भी आए तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। गले में तकलीफ होने पर, खाना निगलने में परेशानी होने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें। सीने में जलन और अपच की समस्या। सीने में जलन और अपच दोनों अपेक्षाकृत आम समस्याएं हैं। खासतौर पर ज्यादा खाना खाने, मसालेदार खाना खाने से होता है। ये चीज आम है, मगर जब ऐसा लगातार हो रहा है और ये लक्षण चिंता का कारण बन सकते हैं, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए उस बचने के कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आप अपने प्राथमिक उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां से बना संतुलित आहार, आवश्यक विटामिन और मिनरल्स स्वास्थ्य के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इनमें से एक ऐसी चीज भी है जो कैंसर को मात दे सकती है। आपको करेला खाने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं। अगर आप खाने में करेले का सेवन करते हैं तो कैंसर का इलाज हो सकता है। रोजाना 1 गिलास करेले का जूस पीने से अग्नाशय का कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अग्नाशयी कैंसर से निपटने के लिए इसके 72% और 90% तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इससे बना जूस ग्लूकोज की कैंसर कोशिकाओं से हमारे शरीर को दूर रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, करेले के सेवन किससे और भी फायदे हैं। दमा होने पर बिना मसाले की छौकी हुई करेले की सब्जी खाने से आपको फायदा होगा। पेट में गैस बनने या अपच होने पर करेले का जूस पीना चाहिए। इस जूस को रोजाना पीने से पाचन क्रिया सही रहती है, जिससे भूख बढ़ती है। उल्टी, दस्त या हैजा होने पर करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक मिलाकर सेवन करने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।